पर्दे को कुछ अलग करते हैं, पेपर्स कुछ अलग कहते हैं, ये क्या है? लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी प्लानिंग रहती है कि मैं एक तरीके से एक बात करूंगा, तुम एक तरीके से एक बात करना। ये लोगों को गुमराह करने की है। जो हालांकि बीजेपी के अंदर यही दो मास्टर माइंडेड है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ये लोगों खाली एक साइड में ये बोल रहे हैं हम एनआरसी की बात नहीं हो रही तो एनआरसी की बात क्यों कर रहे हैं, और एक तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं, हर उनके प्रोग्राम में लाया गया है, बताया गया है कि एनआरसी तो हम सीए के बाद में एनआरसी हम लागू करेंगे। अब ये जो इन्होंने एनपीआर जो शुरू किया है, ये एनआरसी का एक पीछे से एक सीढ़ी दरवाज़ा एक है। तो आज कितने लोग इसमें शामिल हुए, क्या शामिल? तो काफ़ी तादाद से है, मुश्किल से 10,000 के लोग होंगे करीब। तो इससे क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है, ये हमारा जो है कारवा रुकना नहीं चाहिए। ये आज जब भी हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करीब हमने मुंबई के अंदर 7 से 8 प्रोटेस्टों में मैं खुद ने हिस्सा लिया हूँ, और हर प्रोटेस्ट में जब भी जाता हूँ ये बोलता हूँ कि ये ख़त्म नहीं है, ये एक शुरुआत है। तो आज भी ये इसके माध्यम से मैं ये प्लेटफॉर्म के जॉइंट कमीशन एक्शन कमेटी की तरफ से चेंबूर से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमारी शुरुआत है, ये रुकना नहीं चाहिए जब तक कि ये बिल वो पीछे नहीं लेंगे, और हम रुकने वाले नहीं हैं करके। क्योंकि क्या कहना चाहिए एनआरसी और सीए को लेकर, अभी तक ये जो विरोध है अभी तक रुक नहीं रहा है, क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखो सरकार तो झुक गई है, क्योंकि आज तक सरकार कभी मुसलमानों के हित की बात नहीं करती थी, कर रही थी। अब अमित शाह खुद बोलने लग गया है, ये यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें, ये हमारी कामयाबी है, जो धरना और प्रोटेस्ट जो हमारा जारी है, ये कामयाबी है हमारी। नहीं, सरकार तो अपने जीत पे अड़ी हुई है, लेकिन लोगों के जो आज हिम्मत है, लोगों के हिम्मत डर से उन्हें एनआरसी पीछे लेना पड़ेगा। अब ये सीए जो लागू किया है, और मैंने तो ऐसा सुना हूँ बहुत सारे स्टेट में इनको बंद करने के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको लागू नहीं किया गया है। लेकिन संविधान का एक ऐसा एक पड़ाव है कि अगर जो स्टेट जो भी है हमारे हिंदुस्तान के जो भी स्टेट है, अगर वो लागू नहीं करते हैं तो ये सीए ये वहीं पर ख़त्म हो जाता है।